उन्होंने, और आपने आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी का मोदीनामा पढ़ने लग जाते हैं। आलोक शर्मा जी, अगर इस स्तर पर आप उसे बात करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, ये तरीका किसी और चैनल पर यूज कीजिएगा, दूसरे एंकर्स के साथ यूज कीजिएगा। खत्म, मेरे साथ मत यूज कीजिएगा बिल्कुल भी। चिल्लाइए, हद हो गई आप लोगों के, चिल्लाना बंद कीजिए मेरे साथ, उंगली नीचे कीजिए, उंगली नीचे कीजिए, चुप, बिल्कुल चुप। मैं डरती नहीं हूँ ऐसे आलोक शर्मा, ये तौर तरीका कहीं और लगाइए। शब्दों के हेर फेर के चक्कर में मत पड़िए। उन्होंने कोई सेना का अपमान नहीं किया, सेना का सब पूरा सम्मान करते हैं। सेना के पीछे छुपने की आदत मीडिया चैनल्स के माध्यम से बीजेपी की, मतलब बिल्कुल आप लोग क्या चला रहे हैं मुझे समझ से परे। क्या देश के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में उसी दिन ये स्टेटमेंट नहीं दिया? नहीं, राहुल गांधी के नाम से आपने एक स्टेटमेंट चलाई कि उन्होंने कहा है कि हालत पतली है हमारी और कमजोर है हमारी सेना, ये तो ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा सुनिए, राहुल गांधी ने क्या कहा एक बार सुनवा दीजिए, एक सेकेंड बताइए। व्यक्त करने का कोई तरीका आप जानते हैं आलोक जी, या वर्बेटिम बोलते हैं आप सब कुछ जो राहुल गांधी बोलते हैं? कमजोर शब्द अगर नहीं, नहीं आप वर्बेटिम बोलते हैं क्या सब कुछ? नहीं तो आप माफी मांगिए। नहीं नहीं, माफी क्यों मांगूंगी मैं, क्यों माफी मांगूंगी मैं, सुनवा देती हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा। सुनिए आप पहले ध्यान से, राहुल गांधी ने सेना को कमजोर कहा है तो माफी मांगनी पड़ेगी। पहले सुनिए आप ध्यान से, उन्होंने और आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी का मोदीनामा पढ़ने लग जाते हैं। आलोक शर्मा जी, अगर इस स्तर पर आप उसे बात करेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, सुन लीजिए ध्यान से, ये तरीका किसी और चैनल पर यूज कीजिएगा, दूसरे एंकर्स के साथ यूज कीजिएगा, मेरे साथ मत यूज कीजिएगा बिल्कुल भी। उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, आप सुन लीजिए अपने आप, आप लोग पूरी तरह से बीजेपी के, भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या है? भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या है? भारत को कमजोर कौन है? भारत में कम, भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या? सेना आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? नहीं कहा है। सेना आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? सेना क्या आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? क्या कहा राहुल गांधी ने पहले? और डराइएगा धमकाइएगा नहीं आलोक शर्मा जी, मुझे डराइएगा नहीं, बस इतना आपको बता रही हूँ, आराम से बात कीजिए मुझसे, आराम से बात कर रही हूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, जरा सुनिए जरा, मुझे शांति से रहिए, चिल्लाइए मत। इंडिया इज वल्नरेबल क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, इसमें सेना कमजोर है, कहां से आ गया? कीजिए, डराने का काम मत कीजिएगा। मुझे केवल ये बताइए, हमारी सेना कमजोर है इसका मतलब क्या है? ये आपने कहां से सुन लिया? ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जब भारत की बात करते हैं, सुनिए चलाइए प्रोमो में, जब भारत की बात करते हैं, तमीज की हद हो गई आप लोगों के, चिल्लाना बंद कीजिए मेरे साथ, चलाइए। भारत को कमजोर बताएंगे तो कौन कमजोर हुआ? सेना क्या पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? अगर आपके अंदर हिम्मत, उंगली नीचे कीजिए, उंगली नीचे कीजिए, प्रोमो उंगली नीचे कीजिए। मैं डरती नहीं हूँ ऐसे आलोक शर्मा, ये तौर तरीका कहीं और लगाइएगा। इंडिया इज वल्नरेबल का तो मतलब बता दीजिए मुझे, इंडिया इज वल्नरेबल का मतलब बता दीजिए मुझे, इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया का मतलब खाली मोदी सरकार है क्या? इंडिया का मतलब क्या? मोदी सरकार है सर, इंडिया का मतलब इस देश की सेना भी है, इंडिया का मतलब अतिथि त्यागी भी है, इंडिया का मतलब हर भारतीय है। ये पढ़ाने चले हैं, पढ़ाने चले। अच्छा, अब इतनी जल्दी? अभी तो थोड़ी देर पहले आप मुझे पाठ पढ़ा रहे थे, थोड़ी देर पहले तो आप मुझे पाठ पढ़वा रहे थे। नहीं, मैं पाठ नहीं पढ़ा, पाठ अभी भी पढ़ा रहा हूं, उंगली करके पढ़ा रहा हूं। नहीं नहीं, उंगली नीचे रखिएगा, कहीं और दिखाइएगा। सुनिए, ये उंगली नीचे रखिएगा, कहीं और दिखाइएगा। ये सुन लीजिए आप, अगर आप सोच रहे हैं इस लहजे में मेरे साथ डिबेट आप कर लेंगे और मैं आपको करने दूंगी, बिल्कुल नहीं।